हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैलाशा की दुनिया में। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार का फेमस आलू चोखा की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली ये एक ऐसी रेसिपी है और दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने के लिए पहले आलू को उबालना है हमें, तो आलू को उबालने के लिए पहले इस आलू को साफ़ कर लिए, अच्छे से क्लीन कर लिए, धो दिए हैं और उसमें कुकर में डाल देते हैं। कुकर में डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे, पानी डालकर एक चुटकी नमक डाल देंगे और कुकर को बंद करके चूल्हे पे रख देना है। दो सीटी आने के बाद ये आलू उबल जाएगा। आलू तैयार हो गया है तब इसे उतार लेते हैं और चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, इसी पर एक कढ़ाई रख देंगे। इस कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। ये इसलिए कि जिस आलू चोखा जो बना रहे हैं उसके लिए हमें प्याज और मिर्च को फ्राई करना है, हम लाल फ्राई करेंगे। प्याज में एक छोटा प्याज काट ली हूँ, पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मिर्च को करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से प्याज को हमें लाल कर लेना है। तो ये देखिए हमारा प्याज लाल हो चुका है, तब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तेल में मिर्च को डाल देंगे। मिर्च को भी लाल करेंगे, चूल्हे को बंद कर देते हैं क्योंकि तेल हमारा गर्म है तो मिर्च हो जाएगा। तो चूल्हे को बंद कर दिए, देखिए मिर्च हमारा हो गया, तो इसे भी निकाल लेते हैं। कुकर से आलू को निकाल लेते हैं, बट कुकर बहुत गर्म है, इसमें अभी भाप है, तो आराम से कुकर को खोलें क्योंकि हमें भाप भी लग सकता है, हम जल सकते हैं कुकर खोलते वक्त, इसलिए हम ध्यान देंगे इस बात का। पूरे आलू को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं चिमटे से पकड़ करके एक एक करके आलू निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप पूरे आलू को प्लेट में निकाल लें या किसी भी बर्तन में आप अपनी सुविधा अनुसार इसे निकाल कर रख लें। और गर्म आलू को ही मैश करना है, अगर आलू ठंडी हो गई चोखा चिपचिपा हो जाएगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए गर्म आलू को ऐसे ही एक एक कर छीलते जाएं और इसे मैश करते जाएं। अगर आपके पास आलू मैश करने वाला है तो उससे करें, नहीं तो आप कोई चम्मच वगैरह से कर लें, जैसे कि मैं एक चम्मच ली हूँ उसी से कर लूँगी। तो ये देखिए इससे भी अच्छे से मिल जाता है, ऐसे अगर गरम गरम आलू को आप मिक्स करेंगे तो पूरा मिक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से एक एक आलू को छीलें और ऐसे ही मैश करते जाएं, पूरे आलू को एक साथ छील कर मत रखें, क्यों पूरे आलू को अगर एक साथ छील कर रखते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद चोखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो आलू एक एक कर फटाफट छीलें और फटाफट इसे मैश करते चले जाएं। आलू हमारा रेडी है, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें बिरयानी को मिला देंगे। अगर आपका आलू नहीं मिक्स होता है, थोड़ा बड़ा रह जाता है, मोटा रह जाता है, तो आप हाथ से अच्छे से उसे मिला सकते हैं तो वो मिल जाएगा। इसी प्लेट में फ्राई किए हुए प्याज और मिर्च को ले लेंगे और उसे पहले मिक्स करेंगे अलग से नमक डालकर, क्योंकि अगर ऐसे अलग से मिक्स नहीं करते, आलू में डायरेक्ट इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो फिर प्याज मिलेगा खाने में। तो आप इसमें नमक डाल करके प्याज और मिर्ची को पहले मिक्स कर लें, उसके बाद आलू में इसे मिक्स करना है, मिलाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मल देने से ये पूरा मिक्स हो जाता है। ये मिक्स हो गया है तब इसे आलू में मिला देते हैं और ये हमारा रेडी है आलू चोखा। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बतलाएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इतनी आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है, तो आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें।